हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो गूगल आईओ 2021 ख़त्म हो चुका है और इसमें दो बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए गए। फर्स्ट तो इनका जो स्टारलाइन प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तो बना दी, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और बात की सेकंड, वो है एंड्रॉयड 12। इसमें इतना बड़ा अनाउंसमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एंड्रॉयड 12 है, आपकी बार लो एंड्रॉयड लोलीपॉप 5.0 के बाद इतने दिनों के बाद बहुत बड़ा एक अपग्रेड किया गया है। तो क्या अपग्रेड है, क्या क्या नए फीचर्स मिलने वाले, आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले। तो चलो फिर आरम्भ करते हैं। तो बात कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक एंड्रॉयड ढूंढ रहे हो, ठीक है, स्टॉक एंड्रॉयड फोन, तो उसमें आपको क्या लगता है कि भाई कोई बात नहीं, उसमें 6-7 ऐप्स होंगे, आपको एक सिंपल सा लुक देखने को मिल जाता होगा, कुछ आप बदल नहीं सकते। कैसे आईफोन में कैसा होता है कि आप कुछ बदल नहीं सकते, उसी तरह स्टॉक एंड्रॉयड में भी रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते, हर साल सेम ही सेम होता है, उनका वर्जन बढ़ा दिया जाता है, थोड़े कुछ नए फीचर्स दे दिए जाते हैं और आप वॉलपेपर चेंज कर लीजिए, आराम से अपने फोन को यूज कीजिए। लेकिन अब की बार जो एंड्रॉयड 12 में बहुत बड़ा अपग्रेड किया गया है, जो एंड्रॉयड का 5.0 लॉलीपॉप वर्जन था, उसके बाद में अब ये 7वां वर्जन यस एंड्रॉइड 12 पे अपग्रेड किया गया। तो बात कीजिए, सबसे बड़ा जो फीचर इनका आया है, एक मटेरियल यू डिज़ाइन, गूगल जिसे कह रहा है। अभी तक तो गूगल का मटेरियल डिज़ाइन ही चलता था, लेकिन अब इसे चेंज करके मटेरियल यू डिज़ाइन रख दिया गया। बस इसमें सबसे बड़ा फीचर्स ये लाया गया है कि उन्होंने तरह तरह के विजिट्स लाए हुए, जैसे कि अगर आप क्या करते हो, एक वॉलपेपर सेट करते हो, ठीक। अभी तक क्या होता था कि अगर आपको पूरा फोन का सब कुछ चेंज करना होता है तो अब एक अलग से थीम डालना पड़ता था, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, एक वॉलपेपर रखिए, टाइम टू टाइम वॉलपेपर चेंज कीजिए, आपके जो नोटिफिकेशन पैनल के जो रंग्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, आपके थीम्स चेंज हो जाएंगे, आपके आइकॉन्स के कलर चेंज हो जाएंगे, लॉक स्क्रीन जो आपकी क्लॉक दिखाई देती है उसका भी रंग चेंज हो जाएगा। यानी अब क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं भाई कि तरह तरह के थीम्स लाओ, ये लाओ, फोन फुल हो जाता है। आप एक सिंपल सा वॉलपेपर चेंज कीजिए, ऑटोमेटिक जो आपका एक्सपीरियंस होगा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि स्टॉक एंड्रॉइड एकदम फीका फीका लगता था, बस खाली पे वॉलपेपर चेंज करते थे और सारा कुछ ऐप्स, सारा इंटरफेस जैसा लगता था। लेकिन अब की बार जो भाई, एक वॉलपेपर चेंज करने से आपका पूरा फोन का लुक ही एकदम चेंज हो जाएगा। और बात की तो अब की बार तरह तरह के विजिट्स लाए गए। यस, पहले विजिट्स तो एंड्रॉयड में तो भाई बरसों पुराने विजिट्स हैं, हालांकि आईफोन में अभी iOS 14 में, तो लेकिन उसकी तरह आपको बड़े बड़े क्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े विजिट्स देखने को मिल जाते हैं। यानी बात की जाए तो अब अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉयड यूज कर रहे हो और एक UI यूज कर रहे हो, MI UI हुआ, रियलमी UI हुआ, तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टॉक एंड्रॉयड कौन सा है, क्योंकि अगर आप कोई MI का फोन यूज करते हो या फिर रियलमी ओप्पो का फोन यूज करते हो तो आपको स्टॉक एंड्रॉइड से अंतर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब जो है एंड्रॉइड 12 वो गूगल के फोन्स में तो आ ही गया है, अगर वो देखोगे आप तो इन लोग से ज़्यादा मच बेटर देखने को मिलेगा, तरह तरह के कस्टमाइजेशन। यस, अब की बार कस्टमाइजेशन बहुत तरीके के खोल दिए गए कि भाई अब तरह तरह की, जैसे कि बात की नोटिफिकेशन पैनल के आप शेप बदल दीजिए, आइकन्स के शेप बदल दीजिए, थीम ऑलरेडी चेंज हो जाएगा अगर आप एक नया वॉलपेपर रखते हो तो। यानी सब कुछ कस्टमाइजेशन दिया गया है और भाई अब की बार तो मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मेरे पास पिक्सल का फ़ोन तो है नहीं तो मैं ज़रूर आपको एक प्रीव्यू पूरा ज़रूर दिखाता, लेकिन मेरे पास तो पिक्सल का नहीं है और इसका GSI मोड आया हुआ है। तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप GSI मोड अभी फ्लैश ना कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे फ़ोन डेड हो जा रहे हैं, कोई ना कोई बग आ जा रहा है या फिर आपको उसकी फीलिंग नहीं आएगी। जो गूगल पिक्सल्स के फ़ोन की जो फीलिंग होती है वो दूसरे फोन्स में आना बहुत मुश्किल होता है। जो गूगल पिक्सल का फ़ोन होता है, अगर उसमें आप देखोगे तो आपको एक मटेरियल यू डिज़ाइन का एम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। यस, और अगर आप दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो और अगर आप में एंड्रॉइड 12 का अपडेट आता है तो भाई उनका तो UI ऑलरेडी रहता है, तो आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप ये फोटोज वीडियो सारे देख रहे हो तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, या फिर अगर आपने लॉन्च इवेंट भी देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आपके फोन्स में नहीं आएगा कि भाई आप सोचिए मेरे फ़ोन में एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ जाएगा तो मेरा फ़ोन वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिक्सल के फोन में स्टॉक एंड्रॉइड रहता है और आपके फोन में UI रहता है, यूजर इंटरफेस अलग होता है। जैसे कि MI के फोन में MI UI, वन प्लस के फोन में ऑक्सीजन OS, रियलमी में रियलमी UI, वीवो में फन टच OS, एक UI हो जाता है वो, तो आपके फ़ोन में वो फीचर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन जो रहेगा पिक्सल्स के फ़ोन में ज़रूर आएंगे। तो जो भी पिक्सल फ़ोन यूजर्स होंगे वो तो बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि भाई उनको क्या होता था कि अभी तक कस्टमाइजेशन के फीचर्स ज़्यादा नहीं देखने को मिलते थे, बस एक वॉलपेपर चेंज करो बस। और अब तो भाई इतने कस्टमाइजेशन आ गए, वॉलपेपर चेंज करने से पूरा फ़ोन चेंज हो जाएगा। और बात की भाई आपके पास प्राइवेसी पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जैसे कि आपको पता है कि iOS का 14.5 अपडेट आया था, तो उसके लिए भाई अब एप्पल भाई जाने ही जाता है प्राइवेसी के लिए, तो एंड्रॉइड ने भी थोड़ा कुछ कॉपी किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉपी अगर अच्छी चीज़ की जाए तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, कॉपी करना ही चाहिए अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो। सिक्योरिटी अब की बार भी गूगल में अच्छी होने वाली, क्योंकि अब की बार क्या होने वाला है कि एक अलग से डैशबोर्ड बनाया जाएगा, उसमें यह बताया जाएगा कि कौन से ऐप ने आपका लोकेशन एक्सेस किया है, कितनी देर तक एक्सेस किया, यानी सब कुछ डिटेल्स, आपका माइक्रोफोन कौन यूज़
कर रहा है, आपका कैमरा कौन यूज कर रहा है, आपकी लोकेशन कौन यूज कर रहा है, ये सब जो चीज़ें कौन कौन सी ऐप कितनी यूज कर रही है। और आप चाहो तो डिनाई भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई ऐप ओपन कर रहे हो ठीक है और आपको जो कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस ले रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन साइड में, तो पहले आपको जो वहाँ पे कैमरा होता है ऊपर में डॉट में ठीक है ऊपर वाले में डॉट में वहाँ पे दिख जाएगा और आपको बता दीजिए भाई कि ये जो ऐप है आपके कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस ले रहा है, और आपको जो ऊपर नोटिफिकेशन पैनल भी दिख भी जाएगा। आप चाहो तो मैनुअली उसे बंद भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारे फीचर्स आने की वजह से अब एंड्रॉइड भी थोड़ा कुछ सिक्योर हो जाएगा, और मुझे तो लग रहा है कि कुछ सालों के बाद में iOS जितनी आपको प्राइवेसी दे दी जाएगी, अगर आप गूगल पिक्सल का फोन यूज करते हो तो, अलग कंपनी का फोन यूज करते हो तो भाई उनका अलग से यूजर इंटरफेस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप गूगल पिक्सल फोन यूज करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि 4 से 5 साल में ये iOS के टक्कर में आ जाएगा। हालांकि पूरी तरह से तो आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप उसमें गाना नहीं डाउनलोड कर सकते, वीडियोस नहीं डाउनलोड कर सकते, मतलब उसमें फ्रीडम नहीं है। अब भाई जहाँ पे फ्रीडम थोड़ी कुछ रहेगी तो वहाँ पे रिक्स भी तो ज़्यादा रहेगा, उसमें कोई फ्रीडम नहीं है, इसके लिए रिक्स 0% है। एंड्रॉयड में खुल के फ्रीडम है तो इसके लिए रिक्स हमेशा एंड्रॉयड में रहेगा ही रहेगा। फीचर्स थे, कुछ चेंजेस थे, बस यही बड़ा बदलाव होने वाला है, और यही क्यों बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा अगर आप एंड्रॉयड यूज करो या फिर एक स्टॉक एंड्रॉयड यूजर्स हो तो। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।